अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 95। और आज के इस लेसन हम देखेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट में मटेरियल को किस तरह, आप अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी मटेरियल अगर आप लगाना चाहो तो आप उसे किस तरह लगाओगे, और मटेरियल को ब्राउज करने का क्या तरीका है, एंड आप अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर कैसे करते हो और उसका क्या मेथड है। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, और यहां से ऑटोकैड को ओपन किया, ड्राइंग्स, और मैं यहां से इसे SWI आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूं, और अब यहां पे काम करता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले UCS आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाऊंगा, तो उसके लिए UC एंटर करता हूं और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो करना है जी, आपने अपने ऑब्जेक्ट को आप रेंडर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से मटेरियल के ऊपर और रेंडर के ऊपर काम करेंगे। मटेरियल यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा और रेंडर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे विजुलाइज यहाँ पे ऑप्शन है, आपके पास रेंडर का ऑप्शन होगा। अगर आपने ऑटो कैड 2013 या 14 कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन होगा, तो मेरे पास यहाँ पे विजुलाइज का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास ये मेन्यू ओपन नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास रेंडर रेंडर का ऑप्शन या फिर रेंडर का टैब, और इसके अलावा मटेरियल का टैब ओपन नहीं है, तो आप राइट क्लिक करें अपने इस ऊपर यहाँ पे मेन्यू बार में, या नीचे आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक करें और लिखें, देखें नीचे लिखा शो टैब, तो टैब जो आपको नजर आ रहे होंगे, तो मेरे पास देखें 360 भी है, सारे टैब्स हैं आप देख सकते हैं। शो पैनल, टैब के अंदर जो पैनल है कौन कौन से, व्यू है मेरे पास ये देख सकते हैं, ये व्यू है, कोऑर्डिनेट है, मॉडल व्यू पोर्ट है, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप चेक करेंगे उसको तो वो आपके पास सामने एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ जिसपे मेरे मटेरियल मटेरियल देना है। तो उसके लिए एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर अगर आपने मटेरियल अप्लाई करना है उसका क्या तरीका है। एक सॉलिड, अगर कोई आप सॉलिड बॉक्स है इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करने का क्या तरीका है। और अगर एक आपके पास स्फीयर किस्म की शेप है तो उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इन तीनों मटेरियल के ऊपर मैं चीज़ों के ऊपर मटेरियल को अप्लाई करूंगा। मटेरियल को अप्लाई करने के पहले मैं करने के लिए पहले मैं 2D वायर फ्रेम से मैं यहाँ पे रियल इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ, रियल में आ जाऊंगा, और अब मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि इन पे मटेरियल कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले आपको मटेरियल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करता हूँ। और इसके ऊपर अब मटेरियल अप्लाई करता हूँ, आप फेस कलर चेंज कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं, तो फेस कलर कैसे चेंज करते हैं इनके इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था, आज हम मटेरियल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मैंने इस एरिया में मटेरियल अप्लाई करना है, तो मटेरियल के लिए आप अपने यहाँ पे विजुअलाइज पे मैं क्लिक करता हूँ, या फिर आप अपने रेंडर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बस मटेरियल, मटेरियल में सबसे पहले ब्राउज मटेरियल, उसके बाद मटेरियल के आपके पास है मटेरियल टेक्सचर ऑन ऑफ, मटेरियल ऑन टेक्सचर ऑफ, या फिर मटेरियल टेक्सचर ऑन, तो ये आपने यहाँ पे ऑप्शन है, इनके इनके ऊपर डिस्कस करते हो। सबसे पहले ब्राउज मटेरियल के ऊपर आपने क्लिक करना है, या फिर आपने नीचे कमांड लिखनी है मटेरियल के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्राउज मटेरियल के नाम से एक देखें पैन टैब ओपन हुआ है, पैनल ओपन हुआ है, और इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे अगर लिखेंगे मटेरियल, कमांड है मटेरियल, मटेरियल लिख एंटर करेंगे तब भी आप बस यहाँ पे देखें मेरे पास मटेरियल ब्राउजर ओपन हो गया, देख सकते हैं। अब इस मटेरियल ब्राउजर को मैं यहां से मूव करता हूं, आपको बताता हूं, ये देखें यहां पे मैं इसे लेके आ गया हूं, यहां पे देख सकते हैं। अब इस मटेरियल ब्राउजर को मैं यहां पे जब एडजस्ट करता हूं, यहां पे मैं रखता हूं, रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसके पास देखें एक ऑप्शन है ऑटो हाइट का, क्लिक करेंगे आपका मटेरियल ऑटोमेटिकली हाइट हो जाएगा, वापस आप लेके जाएंगे तो आपका सामने आ जाएगा, या फिर आपने मटेरियल्स पे क्लिक करना है। दोबारा इस पर क्लिक करके दोबारा वापस लाता हूँ, यहाँ पे देखिए वापस आ गया मटेरियल, और ये हमारे पास जो ऑटो हाइड हो जाता है, इसको वापस लाने के लिए यहाँ पे आप इसके ऊपर जो ही कर्सर यहाँ पे रखेंगे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा।
और इसको मैं हमेशा यहाँ पे इनेबल रखता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स, इसकी इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा एंकर लेफ्ट और एंकर राइट, तो ये जो एंकर है इसको लेफ्ट या राइट पे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइट पे करता हूँ, देखिए राइट पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। और इसी को अगर आप लेफ्ट साइड पे करना चाहें तो आप लेफ्ट लेफ्ट पे कर सकते हैं, तो लेफ्ट पे आ गया, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मटेरियल के ऊपर डिस्कस करता हूँ। इसके ऊपर मटेरियल अपने ऐड मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेके जाएंगे इसको, ये सामने आ जाएगा। और यहाँ से अपने जो भी मटेरियल है, यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल हैं, अगर आपके पास ऐसी शेप ओपन नहीं है, आपके पास अगर सामने फॉर एग्जाम्पल इस तरह की शेप ओपन है जी, व्यू टाइप्स पे क्लिक करता हूँ या फिर लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, इस तरह की आपके पास शेप ओपन होगी यहाँ पे। तो इसमें आपको मटेरियल सही नज़र नहीं आ रही कि कौन सा मटेरियल कैसा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे चेंज, और यहाँ पे आपने इसे थंबनेल्स व्यू पे क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऐसी शेप आ जाएगी। और उसके अलावा उसके बाद आपने मटेरियल जो भी अप्लाई करना है, आपको जो मटेरियल अच्छा लगता है, तो यहाँ पे होम के बटन के ऊपर नीचे यहाँ पे क्लिक करें, और आर्ट यहाँ पे देखें ऑटोडेस्क लाइब्रेरी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसमें क्लिक करें इस पर, तो इसमें आपके पास सारे काफ़ी सारी लाइब्रेरी सामने ओपन हो जाएगी। उसके अलावा इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें इस बटन पे जो ही मैंने क्लिक किया तो नीचे आपके पास काफ़ी सारी लाइब्रेरी आ गई, जिसमें ग्लास पे क्लिक करें, ग्लास के मटेरियल आपके सामने आ जाएंगे, लिक्विड के क्लिक करें, लिक्विड के आ जाएंगे, मेटल पे क्लिक करें, मेटल के मटेरियल आपके पास सामने आ जाएंगे। अब मैं मेटल फॉर एग्जाम्पल मटेरियल इस पर मैं देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे फ्लोर का या कोई और, देखें वुड का मटेरियल मैं वुड का अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर जब अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा। दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से इसके ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाएं तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा इसका भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा तरीका आपके पास होता है मटेरियल अप्लाई करने का, कि यहाँ पे आप नीचे देखें यहाँ पे ऐड मटेरियल टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये मटेरियल आपका डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाएगा यहाँ से भी। अब इसमें इसलिए नहीं हो रहा है अप्लाई क्योंकि हमारे पास ये, इसको दो काम आपने करना है, या फिर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे होम में जाके तब ये अप्लाई होगा, या फिर इसको आपने रीजन करना है। REG एंटर करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, या फिर रीजन करना है या फिर आपने यहाँ पे एक्सट्रूड करना है, दोनों सूरत में आपके पास मटेरियल ऐड हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके इस पर मटेरियल ऐड करता हूँ, तो देखें आपके पास मटेरियल यहाँ पे ऐड हो गया, देख सकते हैं एक सरफेस में आपके पास मटेरियल ऐड हो गया। उसके अलावा आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट में भी आप मटेरियल ऐड करना चाहें तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे मटेरियल पे सामने मटेरियल को सामने लाता हूँ, इसके ऊपर मटेरियल पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पैंट वाला मटेरियल है वो मैं क्लिक करके यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इसके ऊपर मटेरियल आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल लेना चाह लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे प्लास्टिक के मटेरियल हैं, देख सकते हैं ऐड हो जाएंगे, मटेरियल ऐड हो जाएगा, तो ये बड़े अच्छे अच्छे मटेरियल हैं। और इसके ऊपर भी अगर कोई मटेरियल ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड कर सकता हूँ, और ऐड करने के लिए मटेरियल को मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल है, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई हो गया ट्रांसपेरेंट। ओके, अब ये मटेरियल तो अप्लाई हो गया, इसके अलावा आप और भी मटेरियल अपनी मर्जी से आप लगा भी सकते हैं इस पर मटेरियल, और उनमें काम भी कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि आप मेरे पास यहाँ पे देखें वुड का मटेरियल है, कैटेगरीज में आप देखें यहाँ पे सारे मटेरियल आ गए वुड है, और यहाँ पे देखें जो जो मटेरियल मैंने अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पे आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको मटेरियल अप्लाई होता जाएगा, जिस शेप को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा तो उस पर आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर मटेरियल ऐड हो गया, देख सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा आपने मटेरियल ऐड करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें, अपने मटेरियल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं एक और विंडो ओपन हो गया, जो मटेरियल आपने देना चाह रहे हैं उस पर आपने जो ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, ये आपके पास एक विंडो ओपन हुई है। अब इस विंडो से आपने देखें यहाँ पे आपने इस पर काम करना है, और इसके लिए आप यहाँ से देखें काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, इमेज फेड एफ क्लिक करेंगे तो फेड हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा इमेज साइज स्टाइल कम हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे देखें इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, रिफ्लेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो जाएगी, आप जितना भी देना चाहें ट्रांसपेरेंसी, इसको चेक करना है आपने चेक करेंगे, और आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा ही कम कर सकते हैं अपने मटेरियल के ऊपर। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है।
जो भी अपने काम करना है यहाँ पे आप काम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, अमाउंट इसी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप यहाँ से अमाउंट अब देखें यहाँ पे, तो आपके ऑब्जेक्ट पे देखें, आपके ऑब्जेक्ट पे ये काम हो रहा है। जब मैं बाहर क्लिक करूँगा अलग से तो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं जी। और यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल आपने पिक्चर लेनी है, कोई पिक्चर किसी पिक्चर कोई पिक्चर आप मटेरियल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो पिक्चर भी ले सकते हैं। पिक्चर लेने का क्या तरीका है, आपने अपने मटेरियल पे जाना है और यहाँ पे अपने मटेरियल पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज की ओपन हुई है, मटेरियल पे जाना है यहाँ से। मटेरियल पे जाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मटेरियल है और इस मटेरियल पे मैं ऐड करता हूँ, कोई मटेरियल ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड कर सकता हूँ मटेरियल। तो मैं इस मटेरियल के ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पिक्चर को ऐड करना चाह रहा हूँ तो पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, उसकी एडिटिंग पे जाना है आपने। तो इस मटेरियल पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओके। तो यहाँ पे आपने और भी इसमें कोई मटेरियल पे काम करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से काम कर सकते हो, अपने मटेरियल में काफ़ी सारी एडिटिंग काम कर सकते हो। अच्छा, खुद से कोई मटेरियल अब इसमें लाना चाह रहे हो, कोई खुद से मटेरियल बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी इस कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंक्रीट वाली कैटेगरीज में और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड टू पे क्लिक करें तो ऐड टू में कह रहा है डॉक्यूमेंट्स मटेरियल है, फेवरेट्स है और ऐड टूल्स प्लेटर्स है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आप इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं, देखें ये नीचे जो प्लस का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करें, इस पर आपको कह रहा है न्यू, देखें जेनरिक मटेरियल पे क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इस पर नाम दे देना जी मटेरियल का। मैं नया नाम देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ जो पैटर्न PAT लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब इस PAT आपको यहाँ पे सामने मटेरियल देखें नजर आ रहा है, इसमें आपने रिफ्लेक्टिविटी पे क्लिक करें तो रिफ्लेक्टिविटी देखें यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर रहा है ये लाइट्स को डायरेक्ट, देखें डायरेक्ट लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर ऑब्लिक पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी आप देना चाहें ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं इस पर, और इस पर अगर आपने कोई पिक्चर अप्लाई करना है तो पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप इमेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मेरे पास यहाँ पे एक फुटबॉल का एक पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। ओके, कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये फुटबॉल वाला पैटर्न मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, अब ये फुटबॉल वाला पैटर्न ओपन हो गया। इमेज का फेड बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, रिफ्लेक्शन बढ़ानी है ग्लास की, देखें ग्लास में। उसके अलावा यहाँ पे कटआउट्स पे क्लिक करना है, कटआउट्स पे काम करना चाह रहे हैं इसीलिए आप पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सारे काम कर सकते हैं, ये आप खुद भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, तो मेरे मेरे पास एक मटेरियल यहाँ पे आ गया जी सामने, क्या नाम था जी, पैड के नाम से था। अब ये पैड वाला मटेरियल मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ, देखें फुटबॉल का एक पैटर्न सा इसके ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर इस पे काम करना चाहते हो और भी डबल क्लिक करें, करने के बाद इसी पे काम करना चाह रहे हैं पैड के ऊपर, तो यहाँ से इसकी डायरेक्ट आप इसको कम कर दें, रिफ्लेक्ट जो था रिफ्लेक्टिविटी पे क्लिक करें यहाँ पे, देखिए अब रिफ्लेक्टिविटी यहाँ से कम हो गई है। ट्रांसपेरेंसी को भी कम करना चाह रहे हैं क्लिक करें, ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाएगी, और ट्रांसपेरेंसी अमाउंट बहुत ज़्यादा है कम कर दें, देखें आप यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी पैरेंट आप कम करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी ज़्यादा ही कम कर सकते हैं, देखें आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। और तो यहाँ से आप देखें इसमें आप पैटर्न वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप चेंजिंग भी ला सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की हुई है मैंने, ज़्यादा करता हूँ ज़्यादा आ जाएगी, कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्टिविटी पे भी क्लिक करता हूँ, रिफ्लेक्टिविटी भी यहाँ पे आ गई, तो आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये था जी आपका मटेरियल किस तरह हमने अप्लाई करना है मटेरियल, और किस तरह इस पर एडिटिंग करनी है, किस तरह इसमें मॉडिफिकेशन करनी है। डबल क्लिक करके आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और मटेरियल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करें तो आपके पास ये मटेरियल भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये था जी मटेरियल और मटेरियल का काम। और अब हमने देख लिया जी हाउ टू ऐड मटेरियल, ब्राउज मटेरियल और हाउ टू रेंडर द मॉडल, मॉडल को रेंडर किस तरह करना है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, मैंने काम कर लिया, अपने मॉडल को रेंडर किस तरह करना है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब जो मटेरियल है मेरे पास अभी सही नज़र नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही नज़र आए। अभी तो मैंने सिर्फ मटेरियल अप्लाई किया, मटेरियल के अलावा आप यहाँ पे लाइट्स अप्लाई कर सकते हैं, शेडोज, सन स्टेटस, तो ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। एनिमेशन वगैरह आप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो मैं रेंडर के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। तो रेंडर के लिए आप शार्ट कमांड होती है रेंडर की, RANDER,
सॉरी, आर ई एन डी आर होती है, तो मैंने आर एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देखें, रेंडर, आर ई एन डी आर रेंडर होता है, आर ई एन डी ई आर रेंडर पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिएगा मेरे पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी और उसमें देखें आपका ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है और आपको क्लियर कट आपको बता रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट रेंडर होके सामने कैसे नजर आएगा। आप देख सकते हैं, देखें जरा, तो ये रेंडर होके आपको ऑब्जेक्ट इसने बता दिया कि आपको ऑब्जेक्ट सामने कैसा लगेगा, देख सकते हैं। और यही रेंडर आपने फॉर एग्जांपल इसको ज्यादा जूम करें, जूम करने के बाद भी आप रेंडर कर सकते हैं, और यही रेंडर आपको यहां पे भी नजर आ रहा होगा। अब इस रेंडर में मीडियम, बस रेंडर की टाइप से मीडियम है, देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे मीडियम है, सिर्फ यहाँ पे मीडियम ही दिया हुआ है, इसके अलावा हाई होती है और भी टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जाकर बताऊंगा मैं आपको। रेंडर क्वालिटी आप यहाँ से बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं रेंडर क्वालिटी, और यहाँ से आप देखिए रेंडर क्वालिटी में 1024x768 पिक्सल करना चाहता हूँ, हाई रेजोल्यूशन पे मैं इसको रेंडर करना चाह रहा हूँ। और अब यहाँ पे ये जो रेंडर हमारे पास हो गया, तो उसके लिए आप रेंडर पे क्लिक करें, ये रेंडर का एक और बटन है, इस पर आप क्लिक करें, करने के बाद आप यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे, तो दो रेंडर आपके पास, दो टाइप्स होती हैं रेंडर की, तो मैं यहाँ पे इस रेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो ये पहले वाली टाइप से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन इसकी बहुत ज़्यादा दी है। देखिए आपके पास यहाँ पर रेंडर करके इसने दे दिया ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं रेंडर को। आप इस पिक्चर को जब ये रेंडर कंप्लीट हो जाए सेव कर सकते हैं, सेव आपकी ये जो पिक्चर है ये आपके जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। इसको रेंडर कंप्लीट होने तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने सिंपल रेंडर किया, और जब हम इस पे शेडो वगैरह देंगे, इफेक्ट लाइट्स वगैरह देंगे, तो आप उस टाइम आपको एक क्लियर नजर आएगा रेंडर। तो आप व्यू में जाके, तो व्यू में यहाँ पे इसकी कंप्लीट इसके बारे में सारा दिया हुआ है, किसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, फिल्टर कौन सा इस पर अप्लाई किया हुआ है, मॉडल रेंडर कितना है, डेप्थ कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें दी हुई है। नीचे आपको मॉडल दिए हुए, कितने मॉडल आपने दिए हुए, और देखें ड्राइंग क्या है, 1024 है, और यहाँ पे इसने कंप्लीट इसने डिटेल दी हुई है। व्यू में जाके, तो आप व्यू में स्टेटस बार है, स्टेटस, और यहाँ पे स्टेटिक्स पैन है, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हैं, और टूल में जाके जूम प्लस कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, देखें से ज़रा आप जूम इन करना चाहते हैं जितना मर्जी आप कर लें, और उसके बाद आप इसको यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, और फाइल में जाके तो इसको सेव करना है, तो सेव पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे देखें ऑल इमेज फॉर्मेट्स कह रहा है कि आप हर एक फॉर्मेट्स में अपने अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो पीएनजी फॉर्मेट लें, और मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करता हूँ जी डेस्कटॉप, इसको सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ रेंडर, रेंडर के नाम से देता हूँ सेव। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है, तो देखें 24 बिट्स में आपके पास, देखें यहाँ बता रहे हैं 32 बिट्स में, आपने जितना मर्जी यहाँ पे इसको साइज दे सकते हैं, ओके करें यहाँ पे कलर, और आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेव भी हो गया, रेंडर भी हो गया। इसको सामने देखने के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि बस डेस्कटॉप में ये देखें रेंडर के नाम से पीएनजी फॉर्मेट में एक पिक्चर सेव हो गई है, देख सकते हैं पिक्चर सेव हुई है और रेंडर होके हमारे पास सेव हुई है। तो स्टूडेंट्स ये था जी रेंडर का ऑप्शन। अब इसके अलावा रेंडर, ये तो हमारे पास एक नॉर्मल रेंडर है, दूसरा जो रेंडर है आपके पास उससे आप फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड वन रेंडर है हमारे पास रेंडर रीजन है, इस पर क्लिक करें, तो इसमें जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी एरिया को ये रेंडर करेगा, क्लिक करें तो देखें ये वहीं पर रेंडर करेगा और उसी एरिया को रेंडर करके आपको बताएगा, देख सकते हैं, तो ये रेंडर रीजन का फंक्शन है, देख सकते हैं। उसके अलावा है आपके पास रेंडर रीजन में, मैं यहां पे जाता हूँ नॉर्मल रेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये रेंडर आ गया, इसको क्लोज कर दिया यहां से, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास जी, यहां पे ये जो ऑप्शन था इसका फंक्शन क्या था, अब टेक्सचर है मटेरियल, आप कह रहे हैं मटेरियल है टेक्सचर को ऑफ कर दे, तो आप यहां पे क्लिक करें, तो आप देखें टेक्सचर और मटेरियल आपके पास ऑफ हो गया। आप ऑन करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे मटेरियल ऑन, टेक्सचर ऑफ, क्लिक करें मटेरियल ऑन हो गया, टेक्सचर ऑफ हो गया क्योंकि इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई किया हुआ था, तो टेक्सचर को भी ऑन ऑफ दोनों को ऑन करना है, तो मटेरियल टेक्सचर ऑन करें तो दोनों के दोनों क्या हो गए, देखें ऑन हो गए।
और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप में आपने क्लिक करें यहाँ पे, तो देखें इसको सिलेंड्रिकल शेप में उसने जो मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, देखें वो सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। और देखें सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास आ गया, कंट्रोल जेड करके मैं आपको बताता हूँ, पहले इस शेप में था और अब सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। इस ये टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा आपको जब टेक्सचर पे आप अप्लाई करोगे। उस आप चाहते हैं जो टेक्सचर, ये जो मटेरियल अप्लाई हुआ है ये बॉक्स की सूरत में आए, सिलेंड्रिकल स्फेयर की सूरत में आए, तो क्लिक करें, देखें आप स्फेयर की सूरत में वो टेक्सचर आ गया, देख सकते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं, और मूव आप यहाँ से इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करें और इसको देखें जिस तरह मूव करेंगे, देखें आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपने इसका मटेरियल और टेक्सचर पे काम कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और अपने मटेरियल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन की आपको समझ आई होगी और आप यहाँ तक आपने तकरीबन कम ऑटोकैड्स में आपने इतना नॉलेज आपको होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना के और उसको आप अपनी मर्जी रेंडर या उसमें इफेक्ट दे सकते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाया तो उसमें उस घर की दीवारों पर आप कलर भी दे सकते हो, उसमें टेक्स्चर भी दे सकते हो, आपने कोई दरवाज़ा बनाया उसमें वुड का कलर दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।